कोरोना वायरस से संक्रमित लोकपाल के सदस्य जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी की मौत हो गई है। जस्टिस अजय कुमार कोरोना से संक्रमित होने के बाद से दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन शनिवार रात दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। दरअसल लंदन से लौटी उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव मिली थी, जो एम्स में भर्ती हैं, जिसके बाद अजय कुमार को भी कोरोना हो गया था और वह 2 अप्रैल से एम्स में भर्ती थे। खबरों के मुताबिक जस्टिस त्रिपाठी बीमारी की वजह से बहुत कमज़ोर हो गए थे। हालत ख़राब होता देख उन्हें आईसीयू में लाया गया था। यहाँ पर वह पिछले 3 दिनों से वेंटिलेटर पर थे, लेकिन डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। अजय कुमार त्रिपाठी के निधन पर केंद्र मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत कई लोगों ने शोक जताया है। आपको बता दें, अजय कुमार त्रिपाठी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। इससे पहले वे पटना हाई कोर्ट में जज थे। मौजूदा समय में वे लोकपाल के 4 न्यायिक सदस्यों में से एक थे। न्यूज़ टेक्स्ट।